ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में फसलों की बर्बादी से किसान उबर भी नहीं पाए थे कि बिन मौसम बरसात और बर्फबारी ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। इससे किसानों को भारी आर्थिक हानि हुई है। एक रिपोर्ट। बरसात और बर्फबारी से फसलें खराब, सैकड़ों एकड़ में लगी थी फसलें, किसानों को हुआ भारी आर्थिक नुकसान। भुखमरी के कागार पर पहुंचे किसान। बिन मौसम बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ में लगे टमाटर, गोभी, भिंडी, लौकी, झींगा व तरबूज की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन में वैसे ही सब्जियों के दाम नहीं मिल पा रहे थे, अब बारिश ने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया है। इतना बाल बच्चा है, कैसे पोसाई करब, कैसे भरपाई करब? क्या मांग करते सरकार से? सरकार से मांग कर रही है कि हमारा कुछ क्या भरपाई दे, इतना पखना पानी सब हर जाने भले। किसानों का कहना है कि अब तो लागत भी निकालना मुश्किल हो गया है, अगर सरकारी सहायता नहीं मिली तो भुखमरी से स्थिति पैदा हो जाएगी। ऊपर से पानी भी पड़ा है, पत्थर भी पड़ा है और हम लोग फसल भी खराब हो गया है। थोड़ा बहुत जो भी फसल है तो हम लोग मार्केट जब ले जाते हैं कि तब वहाँ व्यापारी नहीं आता है, लॉकडाउन चलते हम लोग बहुत परेशान हैं। किसान कर्जा लेकर लोन लेकर खेती कर रहा है और वो भी किसान को कोई आमदनी नहीं हो रहा है, सब तो फसलों बर्बाद हो गया है ना। भगवान के कहर ने किसानों की कमर तोड़ दी है, मगर मुख्यमंत्री की ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की घोषणा ने किसानों को थोड़ी राहत जरूर दी है, जिससे किसानों की शायद जमा पूंजी वापस हो सके। रजरप्पा से न्यूजीलैंड भारत के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।